हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ राखी शर्मा और आज मैं जा रही हूँ लोधी गार्डन और आपको लोधी गार्डन का व्यू कराती हूँ और इसकी हिस्ट्री भी बताती हूँ वहाँ के लिए, क्या नाम है, लोधी गार्डन के लिए। और लोधी गार्डन जाने के लिए मैं जा रही हूँ बाय मेट्रो, और मेट्रो से किस मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लोधी गार्डन के बारे में बता देती हूँ। मौसम बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया है, लोगों का घूमने का मन कर रहा होगा, इसी बहाने मैं आपको एक घूमने के लिए दिल्ली में बहुत प्यारी सी जगह दिखाती हूँ जहाँ पर आपका दिल खुश हो जाएगा और जहाँ पर आप प्रकृति के साथ साथ हिस्टोरिकल प्लेस के भी मजे ले सकते हैं। सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन शाह आलम ने 1444 ईस्वी में अपने पिता मोहम्मद शाह की कब्र यहाँ पर बनाई थी। इस गार्डन में एक महत्वपूर्ण मकबरा लोधी राजवंश के सिकंदर लोधी का भी है जो कि 1517 ईस्वी में बनाया था उनके बेटे इब्राहिम लोधी ने। यहाँ के अट्रैक्शन पॉइंट जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वो है बड़ा गुंबद, शीश गुंबद, मोहम्मद शाह का मकबरा, सिकंदर लोधी का मकबरा। बहुत ही खूबसूरत झील के साथ साथ बत्तखों के साथ इस पार्क में आप आनंद ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ग्रीनरी को बहुत अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हैं। ये पार्क इतना बड़ा है कि आपको कभी बोरियत फील होने ही नहीं देगा। अगर आप थक जाओ तो आप झील के आगे बैठकर आराम कर सकते हैं। बत्तखों को देखते हुए आराम करने का एक अलग ही एंजॉयमेंट होता है। दिल्ली NCR के लोगों के लिए ये पार्क पिकनिक स्पॉट के पर्पज से काफ़ी बेस्ट है और यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी आ सकते हैं और अपने बच्चों के लिए भी बहुत बेस्ट जगह है ये। वो भी मैं आपको बताती हूँ। पार्क की ओपनिंग टाइमिंग है 5 AM to 8 PM और यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है। लोधी गार्डन आने के लिए आपको जोरबाग आना पड़ेगा। जोरबाग आप बाय मेट्रो आ सकते हैं, अपनी कन्वेंस से भी आ सकते हैं, ऑटो से भी आ सकते हैं। पार्किंग का यहाँ पर आपको अच्छा स्पेस मिल जाएगा। अगर आप बाय मेट्रो आते हैं तो जोरबाग मेट्रो स्टेशन के बाहर आपको ऑटो मिल जाएंगे, अदरवाइज़ वहाँ से 1 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है तो आप बाय वॉक भी आ सकते हैं और ऑटो हायर करके भी आ सकते हैं। पार्क इतना बड़ा है कि यहाँ पे घूमते 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 आप भी थक जाओगे, तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और काफ़ी इस पार्क को एंजॉय भी कर लिया है। बट अभी मेरी यहाँ की जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पर दिखाने के लिए, भी मुझे सामने फिर से जाना है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ और वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। एक गुंबद और बची है और उससे रिलेटेड हिस्ट्री भी बची है और बहुत प्यारा व्यू भी बचा हुआ है। तो गाइस वो वीडियो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में दिखाती हूँ और इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बिना नहीं जाना। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।